झारखंड के दुमका में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। शुरुआती खबरों के मुताबिक इस मुठभेड़ में एसएसबी का एक जवान शहीद हो गया और वहीं चार जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और साथ ही पांच नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। गंभीर रूप से घायल जवान को हेलीकॉप्टर की सहायता से रांची भेजा गया, जबकि अन्य घायल जवानों को इलाज दुमका सदर अस्पताल में लगातार जारी है। आपको बता दें कि रानीश्वर थाना क्षेत्र के कटालिया के पास पिछले कई दिनों से नक्सलियों ने डेरा जमा रखा है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और साथ ही एसएसबी जवानों को ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।